जम्मू कश्मीर में रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान सीजफायर की महबूबा मुफ्ती की अपील को फिलहाल अनुकूल नहीं मान रही है केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि 2000 में की गई ऐसी ही कवायद का कोई बहुत सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया था। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में कहा, सीएम महबूबा के सीजफायर के प्रस्ताव को दिल्ली जाकर देखूंगा। सीजफायर के सीएम महबूबा मुफ्ती के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर में राजनीति तेज। कल श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान सीएम की अपील पर खुलकर विरोध जताया गया। बीजेपी ने कहा कि एकतरफा सीजफायर से सेना का मनोबल गिरेगा, वहीं पीडीपी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मारे गए आतंकी सद्दाम पदर की कब्र पर इकट्ठे होकर एक युवक भाषण दे रहा है। जम्मू कश्मीर के युवकों को भड़काने वाले इस शख्स की तलाश में जुट गई है सेना और पुलिस। हिजबुल के आतंकी सद्दाम को पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। पंजाब के अमृतसर में अब हथियार का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को डोप टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस डोप टेस्ट से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि हथियार का लाइसेंस लेने वाला युवक कहीं कोई नशा तो नहीं करता। अगर डोप टेस्ट में नशे की मात्रा पाई गई तो जिंदगी में उस व्यक्ति का कभी हथियार का लाइसेंस नहीं बन सकेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर पुलिस और मुस्लिम पक्ष में सहमति। विवादित जगहों पर नहीं होगी नमाज, 125 की बजाय आज सिर्फ 37 जगहों पर होगी खुले में नमाज। गुरुग्राम में आज से जिन 37 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ी जाएगी उनमें से 13 जगह सरकारी हैं। पुलिस और मुस्लिम पक्ष की बैठक में फैसला हुआ है कि किसी भी विवादित स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने करीब 100 जगह नमाज पढ़ने के लिए जगह मांगी थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 37 जगह ही इजाजत दी। जिन्ना को बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले ने महापुरुष बता दिया। काफी दिनों से बीजेपी के अंदर बागी तेवर अपनाने वाली बीजेपी की सांसद फुले ने कहा, जिन्ना एक महापुरुष थे और देश की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान था। सावित्रीबाई के मुताबिक जिन्ना महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे उनके हाहाकारी ज्ञान पर सवाल उठना तय है। बिप्लब देब ने अगरतला में रविंद्रनाथ टैगोर की 154वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में कहा कि टैगोर ने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया था, जबकि हकीकत यह है कि टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का दिया नाइटहुड सम्मान वापस किया था, न कि नोबेल। बेटे तेज प्रताप की शादी के लिए परोल पर लालू यादव के पटना पहुंचने पर परोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। परोल की शर्त में साफ लिखा है कि लालू बेटे की शादी के अलावा किसी और आयोजन या किसी और जगह नहीं जाएंगे, लेकिन वो पटना में घर पहुंचने के बाद आरजेडी के मंच पर गए, कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की। लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने लालू को मिली परोल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परोल में इतनी कड़ी शर्तें रखी गई हैं जैसे लालू यादव कोई बहुत बड़े अपराधी हो। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने भी कहा, लालू को हाथ पैर बांधकर परोल दी गई है। और कल होनी है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी। मेहंदी के मौके पर दुल्हन संग पूरे लालू परिवार ने लगाए ठुमके। दुल्हन ऐश्वर्या का हाथ पकड़ कर नाचे तेज प्रताप। यूपी के कैराना लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने नामांकन भरा। आरएलडी एसपी की उम्मीदवार तबस्सुम हसन से मुकाबला है। 28 मई को वोटिंग होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह के घर पर टमाटर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह के सहयोगी पर रेप का आरोप लगा है। गुस्साए लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर लखनऊ में दारा सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यूपी के संभल में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक और उसके साथियों पर स्कूल टीचर ने गैंगरेप के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि वो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 साल से थाने के चक्कर लगा रही है। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो पति और पिता को भेज दिए हैं और उसको धमकी दी जा रही है। पुलिस ने अब महिला की शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष कमलनाथ की उम्र का हवाला देकर मजाक उड़ा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को इसी तीर से घेरा है। एमपी कांग्रेस ने भी शिवराज मंत्रिमंडल के बुजुर्ग नेताओं की लिस्ट निकाल दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में देवी को भेंट अर्पण करने के लिए महिला ने अपनी जबान काट कर चढ़ावे में चढ़ा दी। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती।
गोवा में एक पत्नी पर लगा है चार प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। आरोप है कि पत्नी ने अपने चार प्रेमियों के साथ मिलकर पति के तीन टुकड़े कर दिए और वारदात से 100 किलोमीटर दूर अलग अलग जगहों पर उन्हें दफना दिया। गोवा की कुर्चोरेम पुलिस ने 30 साल की कल्पना को गिरफ्तार किया है। कल्पना के चार प्रेमियों में से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में किरायेदार की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की से शादी करने चले मकान मालिक को धरा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मंदिर पहुंची जहां शादी की सारी तैयारियां की जा चुकी थी। पुलिस ने पहुंचकर इस बाल विवाह को रुकवाया और 38 साल के दूल्हा बने शख्स को जेल भेजा। राहुल गांधी के पीएम बनने वाले बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा चुनाव बाद ही तय होगा। प्रधानमंत्री अखिलेश से ये पूछे जाने पर कि क्या वो राहुल के प्रधानमंत्री बनने के दावे का समर्थन करते हैं, अखिलेश ने कहा हालांकि राहुल जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, अभी तो हमारे साथ ही सांसद है। चुनाव के बाद जो गिनती होगी उसमें तय होगा कि प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा। इलाहाबाद में 24 घंटे में दो वकीलों और एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद तनाव। वकीलों के हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसीलों समेत दूसरी अदालतों के वकील बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज इलाहाबाद जाकर दिवंगत बीजेपी नेता पवन केसरी और वकील राजेश श्रीवास्तव के घर वालों से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी। 15 मई को कर्नाटक के सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 130 सीट जीतने का दावा किया। शाह ने कहा बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, किसी से समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्नाटक में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के लिए पगड़ी पहनकर शिवराज ने मैसूर में रोड शो किया तो आदित्यनाथ ने दक्षिण कन्नड़ के बंटवाल में किया प्रचार। जयपुर में बीजेपी के बागी नेता घनश्याम तिवारी के संगठन दीनदयाल वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि पूर्व सीएम की हैसियत से वसुंधरा ने जो 13 नंबर बंगला अपने पास रखा है उसे खाली करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विमान यात्रा पर साल भर में हुआ है 6 करोड़ का खर्च। मुख्यमंत्री सचिवालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी है इस बात की जानकारी। जेल से छूटने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल खुश हैं। मुंबई में घर पहुंचने पर आरती उतारकर स्वागत किया गया। जल्द ही राजनीति में सक्रिय होने की बात कही। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले में सीएम केजरीवाल के साढ़ू का बेटा विनय बंसल गिरफ्तार। पिता के साथ मिलकर सरकार को 10 करोड़ का चूना लगाने का आरोप। डिप्टी सीएम का आरोपों से इनकार। घोटाले में रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने बनाया दबाव। मनोज तिवारी ने मांगा सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पंचायत चुनाव में नामांकन करने का आदेश दिया गया था। पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग ने सभी अटकलों को विराम देते हुए 14 मई को पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की। नतीजे 17 मई को आएंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 600 साल बाद बदला है भगवान बद्री विशाल का सोने का छत्र। भगवान बद्रीनाथ के श्री विग्रह के ऊपर कल 4 किलो सोना और रत्नों से जड़ित नया छत्र चढ़ाया गया। इस छत्र को पंजाब के लुधियाना के ज्ञानसेन सूद परिवार ने मंदिर को अर्पित किया है। आपको बता दें 600 साल पहले ग्वालियर की महारानी ने सोने का छत्र भगवान बद्री विशाल को चढ़ाया था। हरियाणा में सिरसा के ओढ़ा गांव के गुरुद्वारे में अमेरिका से आया है सबसे बड़ा पंखा। इस पंखे का वजन 80 किलो है और उसके ब्लेड 12 फीट के हैं। 40 फीट के दायरे में यह पंखा हवा दे सकता है। इस पंखे की खासियत यह है कि इससे बिजली की भी बचत होती है। इसके पंखे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डिजाइन किए हैं। और आइए अब आपको बड़े शहरों के मौसम का हाल बता देते हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं जहां पर आज काफी गर्मी पड़ने की संभावना है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। अब बात मुंबई की करते हैं जहां कमोबेश कल जैसा ही मौसम रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। और अहमदाबाद में गर्मी का प्रकोप जारी है, आसमान साफ रहेगा, धूप रहेगी, तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि काफी गर्मी अहमदाबाद में। भोपाल की बात करें तो कल के मुकाबले गर्मी बढ़ सकती है, दोपहर बाद या शाम तक बादल छा सकते हैं, तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।